नमस्कार मामाल डिजाइनर को आपण मन को स्वागत जनाउची आ गोटे सुंदर वीडियो को। तो आज आम शिखिबा राउंड बेल्ट वाला ब्लाउज फोर टक्स ब्लाउज केमती बनेबा परफेक्ट कटिंग आउ फिटिंग ता सहित गोटे इम्पोर्टेंस कथा जे फ्रंट हुक वाला ब्लाउज आम बनेबा जोटा कि राउंड बेल्ट रा ब्लाउज फ्रंट साइड बनेनी किंतु बहुत जनकर प्रॉब्लम थाए जे से माने बैक साइड हुक पिंधि पारंती नी सेति पई मु आज ए वीडियो डी आनली आम केमती फ्रंट साइड माने तार हुक बनै परबा। ए ब्लाउज बहुत सुंदर फिटिंग आसे तो चालंतु तार कटिंग आउ स्टिचिंग रा वीडियो मु आपन मन को पई नै आसी। प्रथम आम कपड़ा को ये देखो मुझे डबल फोल्ड कर नहीं कपड़ा को। तो कपड़ार प्रथम बैक साइड कटिंग करवा जमी आम नॉर्मल ब्लाउज रे बैक साइड प्रथम कटिंग करचे से देखूँ मुझ 34 साइज़र ब्लाउज कटिंग कर 34 साइज़र। तो मुझे प्रथम लंब नहीं जी लंब मुझे 14 अधेरे मार्कर नहींपर आम सोल्जर नवा तो सोल्जर मुझे 6 रे मार्कर दे 6 रे एप रखी जेटा मोर पछपट को बेस ब्रड नेक हेनी कम नेक हम से मुझे 6 रे नहीं बाकी आर्महोल 5.5 इंच रे मार्क लगे आपणकर चेस्ट जी तार चारि भाग रु भागे नेबे सबु ब्लाउजर माप पाई एटा आपण एइभली करि परिबे। तो ये मु 8.5 नहीं जेहेतु अच्छी एटा मोर 34 साइज 8.5 चेस्ट नहीं कमर 7.5 रे रखी ताठू आ गोटे इंच टक्स पे लगे एटी आर्महोल गोटे इंच काख गलारू गोटे इंच ऊपर को लेकिन मो काख बनई एक्स्ट्रा मार्किंग कर नहीं एक्स्ट्रा मेजरमेंट जोड़ा आम रहीपर नेक विड्थ 3 रखी आपन नेक चाहिए आप जी रखिपर। तो मुझे यहाँ ब्रॉड नेक करूनी एतिक रे मो नेक रखुची जदि आप ब्रॉड नेक करेंगे तो सोल्जर को निहाती भावे कम रे ने नचे कांध गल। तो ये बैक साइड आम मार्किंग हो गला तो बैक साइड को आम प्रथम कटिंग करदे बैक साइड कटिंग कला परे फ्रंट साइड कटिंग करवा। तो यहाँ फ्रंट साइड हुक हम मोर तो फ्रंट साइड हुक देखु कपड़ा भी मोर तलपटू डबल फोल्ड अच्छी। तो ये प्रथम आम जोटा कि कपड़ा को साइज करके फ्रंट साइड कटिंग करदे से मार्किंग करदे फ्रंट साइड बाकी जमी आम बैक साइड ब्लाउज अच्छी तो सही हिसाब से मार्किंग करदे तापर कौन चेंजेस होने देखु जमी जहाँ अच्छी सेमती रे आम मार्क करदे प्रथम फ्रंट साइड की पूरा साइज करदे फ्रंट साइड यहाँ आम जमा भी हेल्ले किसी बढ़वनी। तो तौक को आम फ्रंट साइड नॉर्मली गोटे इंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊे जिते नॉर्मल ब्लाउज बनाऊे। तो ये मुझे 2 इंच बढ़ाऊँ देखूँ प्रथम गोटे इंच रे मार्क देली तापर तौक आउ गोटे मार्क देली जेहेतु राउंड बेल्ट ब्लाउज बनब से ये देखूँ आर्महोल पे जेहेतु काखर माने आगर काखटा से देखो आउ हाफ इंच भितर को देली। तो आम बेल्ट पटु किसी भी बढ़वनी देखु जोटी आम बेल्ट आर्महोल ठू तौक 6 नहीं जी तो ऊपर पटु गोटे इंच तलपटू 2 इंच आम एक्स्ट्रा बढ़ जोटा कि आम टक्स लगे से बेल्ट पटु आम कि भी हेल्ले बढ़वनी बेल्ट जमी अच्छे सेमती रही भी हेल्ले बढ़वनी जेतेबेले ब्लाउज आम रेडी तो बेल्ट बराबर आसीजर ये देखूँ फ्रंट गला मुझे 7 रखिदे आप चाहिए 7.5 रखिपारे कारण डीप नेक टिके आसे जोटा कि राउंड बेल्ट बा सबेसाची लुक्र ब्लाउज बनब। तो यही भाव में यहाँ राउंड सेप रे कटिंग हम यहाँ यही भि सेप पानपत्र सेप गला ब्लाउज टी भल लगे ऊपर तल को मुझे बूस्ट पॉइंट बारे देली देखूँ तापर 4 रे मार्क करली देखु यही आम राउंड सेप दे दबा मुझे जो भाई राउंड सेप देपर आर्महोल ठू तल को 6 इंच रे आईली। तो देखु यही भाव राउंड सेप रे एठी बुलेली एठू आम बेल्ट निकल जीवो बाकी आम एबे टक्स लगे बा। टक्स केमती के लगुच देखु आम फोर टक्स करवा आप चाहिए 2 टक्स भी बन पारती एपटु मुझे 4 इंच देली ऊपर को 2.5 इंच रे मार्क देली एपटू गोटे इंच एपटू गोटे इंच रे टक्स लगे देखु ऊपर को जीक आम से तार सेंटर पॉइंट रे एभली प्लीट लगे ये प्लीटा एपटू हाफ इंच एपटे हाफ इंच टोटल गोटे इंच रे लगे आर्महोल भी सेंटर पॉइंट रे आपड़ी टक्स लगे मार्क देपट हाफ इंच एपट हाफ इंच बाकी यार ये साइड पटटार सेंटर पॉइंट रे भी मार्क लगे 4.5
एभली लंबटा रखिबे एपट हाफ इंच टक्स लगे एवं आमर पूरा पूरी मार्किंग होगा एम कटिंग करवा तो ये आम बेल्ट बाहर पड़ू देखूँ बेल्ट आम कि भी पछपट बढ़ा हेनी सी जो आम सिलई हो ब्लाउज पूरा बराबर आसीज बाकी आम आपको कटिंग कर नबा ये ब्लाउज बहुत बढ़िया फिटिंग आए आई नुआ नुआ भिडियो आप देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ जे भी न्यू अच्छा तो आपर सुंदर मतामत दिंतु तो यह भाव में देखो आम ब्लाउज बनीज बहुत सुंदर सा बन बहुत बढ़िया फिटिंग आसे ये ब्लाउज रे तो ये आम लाइनिंग मुझे पकईबि से लाइनिंग काटि नौ आपड़ी लाइनिंग न पकेबे डायरेक्ट सेमती भी सिलई करती तो प्रथम मुझे लाइनिंग कटिंग कर नौ देखु लाइनिंग कटिंग करके लाइनिंग सहित मार्टास कर दे आउ लाइनिंग ऊपर मार्किंग कर देती आमको सिलई करने सुविधा हाँ बाकी आमर जमी आम टक्स पॉइंट देते सब मार्किंग करते हिसाब से टक्स पकेबा जदि आपणकर सिल्क फैब्रिक अच्छी तो आप प्रथम सिलई कर दिंतुतापुर आप टक्स लगेदे आपको सुविधा हाँ तो मुझे चारिपट जाक ये टक्स लगे दूसरी टक्स लगे सारापर आम पॉइंट के सुंदर आसो आपण मैंने देखिए तो ये देखु चारिपट जाक ये भाव में टक्स लगे दूसरी टक्सटा आमर मेजरमेंट सेम रहा दरकार आमर जोटा कि कप पॉइंट बाहर देखु आमर जोटा कि कप के सुंदर भाव में बाहर पड़ा यही भाव में आम दुईपट जाक रेडी कर नबा नेक्स्ट पट भी आम यह भाव में टक्स देक रेडी करदे चारिपट जाक टक्स जमी आम प्रथम पट गले सेमती बराबर भाव में नेक्स्ट साइड भी आम टक्स पकईद तो देखु दुईपट साइड आम टक्स लगला आमर के सुंदर भाव में आम बुस्ट पॉइंट बाहर पड़ा तो ये आम या सहित भी पटे अटाच करवा तो भी पटे ये बहुत गुरुत्वपूर्ण जोटा कि राउंड बेल्ट थाए तो देखु मेन फैब्रिक सीधा आउर ता लाइनिंग रखिकी ऊपर पटु यह सिलई कर ऊपर पट आ फ्रंट साइड मुझे सिलई कर तापर आम लेटे ये कर्णरटा को भल भाव बाहर करवा तापर ताऊपर आम सिलई पकईद दुईपट साइड रिपटी को यह भाव में आम रेडी करवा यहाँ जेहेतु आम राउंड बेल्ट अच्छी तो यार गुरुत्वपूर्ण थाए आप चाहिए अदर कलर ए पाइपिंग बॉर्डर भी देपारे बहुत सुंदर लगे देखु दुईपट साइड ये भाव बनीगला तो ये आम भिपटे आटाच करवा तो भिपटे कि आम ये ऊपर पटे रखिक आटाच करवा राउंड दे राउंड सेप दे कि बुले कि देखु आमर आम जो पट्टी भिपटी काटी थिले तो पूरा बराबर आसीगला आमर साइड रे दुईपट साइड कि ये आम भिपटी आटाच कर नबा तो देखु आम ब्लाउज पूरा रेडी हो गला बर्तमान देखु आम के सुंदर सा ब्लाउज बनी जाइए तो ये आम पछपट रेडी करवा पछपटपी मुझ लाइनिंग फैब्रिक आटाच कर नहीं तो सांगे बैक साइड टक्स भी लगे एवं पछपटर तलपटर पट्टी बसे नौ तापरे आमे फ्रंट साइड को बैक साइड ऊपर रखिकी प्रथमे आमे कांध को सिलई करदे देखु आम कांध सिलई हो गला तापरे आमे एथरे पाइपिंग सॉरी पाइपिंग तो मुझे लगेबिनी पट्टी लगेबी से आमर भी पट्टी ऊपर आमे पट्टी लगे एपटू स्टार्ट करी नेक्स्ट पटे एंड करवा तो से पट्टी रेडी कर ना क्रॉस कटिंग करके मुझे पट्टी रेडी कर देती यह भाव में मुझे पट्टी लगे आपड़ ए पाइपिंग भी लगे पारती तो देखु
बी पट्टी ऊपर मु गोटे साइड रु पट्टी बसा स्टार्ट कली पूरा नेक रो जो शेप मुझे से शेप रे प्लीट लगे देली तो आपण माने पाइपिंग जदि बसेबे अदर कलर तो बहुत सुंदर लगे तो ये देखते पट्टी बसई देली बा गेस्ट ऑफ फैब्रिक को कट कर नौ बाकी जो राउंड शेप अच्छे से आम कंच रे कट लगे दबा कि आम शेप भल भाव बाहर जापर ताक भाव आम ऊपर सिलई पकई नबा तापर ये देखु आम तलपट को फोल्ड करी भाव सिलई कर नबा यह भाव सिलई करने द्वारा आमर फिनिशिंग आसी थाए ब्लाउज बहुत सुंदर आसी थाए किसी भी रिंकल्स रुए देखु रेडी हो गला पूरा एबे आमे केवल गोटे साइड जो पटे आमर काजघर रहिबो बा हुकर काजघर रहिबो से पटटी केवल अटैच करिबा एथिरे हुक पटी भी जमा भी लागिबनी तो सेति पय देखंतु 3 इंच ओसार रे मु एभलिया मेन फैब्रिक आउ लाइनिंग नै एछि दुटा को अटैच कर दबा गोटे साइड ओपन रखि के आ बाकी तीन साइड आमे सिलै कर नबा एभली भाब रे तापर ताकु लेउटै दबा एभली भाब रे देखो तो गोटे साइड आमर ओपन अच्छी बाकी थ्री साइड मु सिलई कर तो तापर भी आमे चाप सिलई पकई दबा देखो तापर मु चाप सिलई पकई नौ तो ये आमे ए भली फोल्ड करके भी आउ गोटे सिलई पकई नबा एभली करिबार कारण होची जेतु कपड़ा बहुत पतला अच्छी तो आमर जो काजटा रहिबो जेमती कि सेटा बेसी माने लूज न आसे सेमती सेति पई करा होची तो एबे बर्तन जो पटे आमर काज लागिबो तार ब्लाउज रो एभली भापरे देखंतु जोटा कि हम फ्रंट साइड रहिची एभली तळ पटे आमे ताकु रखि दबा आ ता उपरे एभली डबल सिलई पकई दबा तो देखंतु जोटा कि आम सब्यसाची ब्लाउज आउ राउंड प्लेट बेल्ट ब्लाउज रो लुक आसब तो बहुत सुंदर लगे तो ये मुझे ब्लाउज रो फ्रंट साइड रो तलपट जोटा कि आम भिपटी थी से तलपट को यह भाव फोल्ड करदे फोल्ड करके क्लोज करदे तो दुईपट साइड को यह भाव में फोल्ड करके क्लोज करदे आम ब्लाउज पूरा पूरी रेडी तापर दुईपट साइड सिलई करदे हाथ लगे साला परे आमे पूरा जोटा कि आम मेन मार्किंग सेटा आमे लगे बा किंतु एबे मु केवल नॉर्मल साइड सिलई कर दे देखु ए भली भाव आम लुक आसी पूरा रेडी करके आपण मानको देखाऊँ तो ये देखु पूरा रेडी कर नहीं ब्लाउज को ये आम पट्टी ये लगे हुक पट्टी आराम से आपण मैंने ब्लाउज भी हुक पट्टी दे कि आगपट हुक काज कर पिंधि पारे बहुत जनकर मन दुख हुए जे आम पछपट साइड हुक पिंधि पारना तो से ब्लाउज आम ये डिजाइन आमको भल लगे भी आम पिंधि पारना तो किसी ना एमती भी आपड़ बनईकि पिंधि पारे किसी भी असुविधा ना आशा करजर भिडियो आपण मानक निहाती भाव भल लगे जदि भल लगी भाव कमेंट्स करेंगे चैनल जे भी नहीं सब्सक्राइब करदे आंग संगे शेयर करेंगे तो आज विदाय नौ पुणी आपण मह देखा आउ गोटे सुंदर वीडियो सहित रहुछी बाय बाय टेक केयर।